रामगढ़ कस्बे के सरपंच देविंदर दत्ता के निवास पर शनिवार की रात्रि करीब 8 बजे पूर्व मंत्री रोहिता शर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव रामगढ़ को लेकर एकजुट होकर कार्यकर्ताओं से भाजपा को विजय दिलाने की बात कही। वहीं कार्यक्रम के उपरांत मीडिया कर्मी के द्वारा लाठी तमाचे के बारे में पूर्व मंत्री रोहिता शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बात को उल्टा पुल्टा करके उसका जवाब दिया। इस मौके पर रामगढ़ सरपंच देविंदर दत्ता, नरेश सैनी, सीताराम सैन, गोविंद सैनी, ओम प्रकाश सैनी, बनवारी लाल, बबली शर्मा, नरेश सैनी, लक्की कुकरेजा, सोनू गोपालिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। हम विकास के आधार वोट मांग रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अलवर जिले में क्या प्रदेश में राजस्थान बहुत बड़े काम किए, सब जगह काम किए, शिक्षा जगत में हमने काम किया, चिकित्सा में काम किया, कोई सेक्टर ऐसा छोड़ा नहीं जिसमें काम नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं तो हमारे पास तो बहुत बड़े मुद्दे। एक आपने कहा है कि विकास के नाम पर वोट नहीं दिया जनता ने आपको, हाँ नकारा, तो फिर आप विकास के नाम पर फिर वोट मांग रहे हैं। देखो विकास हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब कई बार कोई उसका प्रतिफल हमको नहीं मिलता है तो ये थोड़ी एक मूल उद्देश्य को छोड़ देंगे। एक आपने अपने उद्बोधन में तमंचे का और लाठी का जवाब लाठी से देने की बात कही, ये क्या है इसका मतलब? तमंचा का लाठी का मतलब ये हुआ कि पिछले जो हमने लड़ाई लड़ी उसको, उस लड़ाई को और ज्यादा मजबूती से लड़ने का मेरा इशारा था। लाठी का मतलब लठ नहीं था, वोट की लाठी चस्को।